दोस्तों आपको कटहल को पानी डालकर उबाल लेना है। हाँ, उबालने के समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें आपको नमक भी ऐड करना है, क्योंकि नमक अंदर तक का चले जा रहेगा और आपको कटहल में स्वाद भी अच्छा मिलेगा। तो आप नमक ज़रूर डालें और 20 मिनट के आसपास कटहल उबल जाएगा। ये वो कटहल के ऊपर डिपेंड रहता है, बाकी अच्छे से उबालें। मैंने यहाँ पर कटहल की ग्रेवी की बेस के लिए प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और अदरक और लहसुन, लहसुन 6-7 कली ली है और छोटा सा अदरक लिया है। और इसके बाद इसको ग्राइंड करें। आपको लहसुन, टमाटर और अदरक और इसमें मिर्च एक साथ ग्राइंड करना है। अच्छे से प्यूरी बनाया इसका, बहुत अच्छे से ग्राइंड करें इसको। अब देख सकते हैं मैंने कैसा ग्राइंड किया है। अब देख सकते हैं हमारा कटहल यहाँ पर उबल के तैयार है। मैंने इसको अच्छे से निचोड़ लिया है, ये अच्छे से उबल चुका है। दोस्तों, बिरयानी के लिए, बिरिस्ता तैयार करने के लिए आपको ऑनियन को ऐसे पतले पतले स्लाइसों में काट लेना है और इसको ब्राउन होने तक आपको भूनना है। ये मैंने तेल ऑयल गरम कर लिया है और इसमें मैं प्याज ऐड करता हूँ और इसको ब्राउन होने तक आपको भूनना है। मैं आपको बताऊँगा कितने टाइम तक को भूनना है। आपको इस स्टेज तक के आपको प्याज को तलना है। आपको ज़्यादा तलना नहीं है, नहीं तो प्याज जल जाएगा, आपका बिरिस्ता नहीं बनेगा। जला हुआ बिरिस्ता आप यूज करेंगे तो आपकी बिरयानी में जो टेस्ट है बिरिस्ता का होता है, जो मीठा मीठा, वो टेस्ट नहीं आएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर मैं प्याज की जो प्यूरी हमने तैयार की थी वो हम अच्छे से यहाँ पर भून लेंगे। यहीं पर असली खेल है, यहीं पर समय लगता है। आपको घबराना नहीं है, सिर्फ हाथ चलाते रहना है और आपको अच्छे से भूनना है। आपको प्याज की पेस्ट को इस स्टेज तक के, आप देख सकते हो पूरी तरीके से ब्राउन हो चुकी है, इस स्टेज तक के आपको भूनना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भून चुकी है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें अब आपको टमाटर की टमाटर की प्यूरी। प्यूरी डालने के बाद भी इसको उस लेवल तक के भुनना है कि इसमें से तेल बाहर आए, मतलब कि आपको अच्छे तरीके से भुनना है, सिर्फ आपको हाथ चलाते रहना यहाँ है। पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि जीरा, जो छोटी इलायची और तेज पत्ता। आप इसे पहले भी डाल सकते हैं पर इसको मैं अभी डाल रहा हूँ, फिर भी हमें वही फ्लेवर मिलेगा। ये आपका पेस्ट पूरी तरीके से तैयार है। अगर ये कढ़ाई में चिपके तो आपको यहाँ पर पानी ऐड कर देना है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा। जी, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और इसे मैं अच्छे से चला दिया। और यहाँ पर आपको स्वाद अनुसार नमक डालना है। याद रखिएगा कटहल में हमने पहले भी नमक डाला हुआ है तो उस अनुसार ही हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा नमक किसी भी पसंद नहीं आती। उसके बाद हम इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे कटहल। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कटहल डाल दिया है। और यहाँ पर करछी हम इसको हल्के हाथों से चलाएंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएंगे, क्योंकि कटहल पके हुए हैं, मतलब कि उबल चुके हैं, तो ये टूट जाएंगे। यहाँ पर हल्की हल्की ही चलाएं और अच्छे से इसको मिला लें। आप देख सकते हैं मैंने कैसे इसे मिला लिया, हल्की हल्की हाथों से चलाया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप उतना ही डालें, पर मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर आप पानी कम ही यूज करें, क्योंकि कटहल उबला हुआ है और आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो ग्रेवी उतनी कड़ी नहीं बन पाएगी और आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आप ग्रेवी इसमें थोड़ी गाढ़ी ही रखें। गाढ़ी रखोगे
तो आपको मज़ा आएगा। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद में हम डालेंगे इसमें धनिया, और उसके बाद में हमारा पूरा कटहल का जो सब्जी है ये बन के तैयार है बिरयानी के लिए। और यहाँ पर मैंने पानी गरम कर लिया है, और इसमें मैं डालूँगा कुछ खड़े मसाले, जैसे कि छोटी सी दालचीनी है, जीरा है, छोटी इलायची है, दो लौंग है, काली मिर्च और तेज पत्ता। और हम पानी को अच्छे से उबालेंगे। ये हमारी बिरयानी की चावल के लिए है। और इसमें नमक भी डालें, जिससे नमक चावल में अच्छे से अंदर तक रहेंगे। और यहाँ पर मैंने तेल डाला, क्योंकि हमें जो चावल चाहिए वो एकदम खिला खिला चाहिए, तो यहाँ पर तेल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उबाल आते ही आप इसमें चावल डाल दें। यहाँ पर मैंने HMT का चावल यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने बासमती राइस यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पर मैंने घी लिया है। घी में हम डालेंगे शाही बिरयानी मसाला। घी इसलिए मैंने यहाँ पर लिया, घी से हमें बहुत ही अनोखा स्वाद मिलता है। यहाँ पर देसी घी मैंने ली है, और यहाँ पर चावल को मैंने 85% पकाया है। और यहाँ पर मैं लेयरिंग करना स्टार्ट, कटहल मैंने नीचे डाली हुई है जो हमने बनाई थी, आपने तो देखी है हमने कैसे तैयार किया है कटहल की सब्जी। यहाँ पर लेयरिंग के लिए मैं पहले नीचे में डाल रहा हूँ चावल। यहाँ पर अच्छे से लेयरिंग कर लें, आप अपने अनुसार लेयरिंग करें। और यहाँ पर मैंने डाला बिरिस्ता, जो हमने प्याज बनाया था ना वही बिरिस्ता है ये, देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। और यहाँ पर मैंने डाला बिरयानी मसाला, जो हमने घी में मिलाया हुआ है, देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। यहाँ पर एक और लेयरिंग करूँगा मैं, और इसके ऊपर फिर बिरयानी मसाला यहाँ पर मैंने डाला, और इसके ऊपर मैं फिर भी रिश्ता डालूंगा, और उसके बाद धनिया डालूंगा। आप देख सकते कितनी प्यारी दिख रही है। और सील पैक करने के लिए यहाँ पर मैंने आटा लगाया था पूरी बाउंड्री में, उसके बाद मैंने सील पैक कर दिया। और इसे आप 10 मिनट तक थोड़ा फ्लेम हाई रख कर पकाएं। काफ़ी लोगों से बिरयानी यहीं पर बिगड़ता है कि आप हिसाब नहीं लगा पाते कि आपको पकाना है कितने समय तक है। अगर आपकी 85% आप चावल पक चुकी है, तो आप 10 मिनट ही हाई फ्लेम में पकाएं। ठीक, याद रखें इसमें आप जो चावल के लिए पानी यूज किए थे ना, वो पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक, आप पानी डाल देंगे और 10 मिनट तक आप ऐसी पकाएंगे। अभी तो दब में पक रहे हैं, पर आपको ऐसी हाई फ्लेम में 10 मिनट तक पकाना है, फिर उसके बाद 20 मिनट आपको दम में पकाना है, फिर आपकी बिरयानी बनके तैयार। और यहाँ पर हमारी बिरयानी बनके तैयार है, आप देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी कितनी खूबसूरत दिख रही है। देखिए आप कितनी अच्छी है। ये सरल विधि मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि आप घर में काफ़ी अच्छे तरीके से बना सकें, क्योंकि बिरयानी में काफ़ी कुछ डालता है, और आप काफ़ी कुछ डालते डालते तो आप परेशान ही हो जाते। इसलिए मैंने एकदम सरल विधि से बनाई है, और इसे मैं प्लेट में निकाल के खाऊंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लग रही है। काफ़ी समय लगता है बिरयानी बनाने में, पर अच्छा खाना है तो आपको समय को नज़र नहीं देना है, सिर्फ आपको अच्छे से बनाना है, यही ध्यान में रखिएगा। और बनाकर ज़रूर खाइएगा, काफ़ी सरल होती है और टेस्ट भी काफ़ी निखर के आता है बिरयानी का। अब देख सकते हैं मैंने बिरयानी निकाल ली है प्लेट में, और इसे मैं खा के दिखाऊंगा आपको। ये दोस्तों मेरा कटहल का बिरयानी बनके पूरी तरीके से तैयार है। ये रहा कटहल, आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से पूरा पक गया, बहुत ज़्यादा गर्म है अभी ये। देख सकते हैं
दमदार टेस्ट है। ये रायता मैंने बहुत फास्ट बनाया है, रायता भूख भी काफी लग रहा है ना, मैं खाता हूँ इसको। बड़े ही लाजवाब टेस्ट है मेरा कटहल। में जरूर बनाए, एक नंबर बनेगा, एकदम सरल है, हर कोई घर में बना सकते हो। उस हिसाब से मैंने बनाया, नहीं तो फिर बिरयानी में बहुत कुछ डलता है, आप परेशान हो जाओगे। मैं ज़्यादा लंदर फंदर नहीं किया हूँ, एकदम सरल विधि से आप लोगों के लिए बनाया हूँ। भूख बहुत ज़्यादा तेज लग रहा है क्योंकि बिरयानी बनाते बताते पूरा बनाते बनाते पूरा टाइम हो गया, करीबन मेरे को 2 घंटा लग गया इस चीज़ को पूरी तरीके से तैयार करने में। तो इतना मेहनत करता हूँ भाई मेरे यार, वीडियो का लाइक तो कर दिया करो और दोस्तों में शेयर कर दिया करो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है यार खाना बनाने में, किसी भी चीज़ को बनाने में। इसलिए बस इतने ही दोस्तों, फिर से आपसे नई वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। तो इतने के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और मैं चलिए खाता हूँ।